गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेसियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आरबीआई है वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। हमें पता है कि आरबीआई और सरकार के पास अटमोस्ट पावर है करेंसी प्रिंट करने की, बट फिर भी हम कई बार सोचते रहते हैं कि अगर इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है तो ये अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके सभी लोगों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती। जो इतनी गरीबी हमारे देश में पाई जाती है उस गरीबी को रूट आउट क्यों नहीं कर सकती, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है ताकि एक बैकलॉग रखा सके, एक बैकअप रखा जा सके करेंसी को प्रिंट करने के लिए। फिर इन्फ्लेशन भी एक वजह है कि आरबीआई इन्फ्लेशन के कारण, अगर के मार्केट में कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए उसके कारण भी आरबीआई ज़्यादा मनी प्रिंट नहीं करती है, करेंसी प्रिंट नहीं करती है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर शक्तिकांत दास है, इसका काम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है काम है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देश में लेके आना। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना जो थोड़ा बढ़ाना होता है तो बढ़ा भी देते हैं, अगर कम करना हो तो कम भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इन्फ्लेशन तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। तो ये क्या करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अपने मॉनेटरी टूल्स को यूज़ करके इकॉनमी में इन्फ्लेशन को एक दायरे में रखते हैं, एक लिमिट में रखते हैं, ताकि ना तो इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा कम हो ना इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये काम करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। और सबसे बड़ा इसका काम होता है करेंसी प्रिंट करना। देखो जितने भी नोट्स हैं, एक रुपये के नोट को छोड़ के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, बाकी जितने भी करेंसी के नोट्स हैं ये इसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चार प्रिंटिंग प्रेस हैं, जैसे नासिक में महाराष्ट्र में एक, देवास में, मध्य प्रदेश में एक प्रिंटिंग प्रेस है, और एक कर्नाटका के मसूरू में एक प्रिंटिंग प्रेस है, और एक सलबोनी में वेस्ट बंगाल में एक प्रिंटिंग प्रेस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी रीजनल ब्रांचेज हैं, 20-25 शायद रीजनल ब्रांचेस हैं, ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये डाटा भेजती हैं कि आप अपनी जो जितनी प्रिंटिंग प्रेस है, चार प्रिंटिंग प्रेस है, उनसे इतने इतना हमें करेंसी प्रिंट करवानी है, ठीक है। हर साल भी इतनी करेंसी हमें, जितनी करेंसी कम हो जाती है क्योंकि करेंसी को नष्ट भी करना पड़ता है, जो पुरानी करेंसी हो जाती है उसको सर्कुलेशन से बाहर भी लेके जाना पड़ता है, कई बार डीमोनेटाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आरबीआई को इसकी जो रीजनल ब्रांचेज होती हैं वो डाटा भेजती हैं, और आरबीआई इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आरबीआई अपनी प्रिंटिंग प्रेस को भेजता है कि आपको इस बार इतने नोट्स छापने हैं, ठीक है। और ये हम आपको बताएंगे आरबीआई एक जो इनके पास बैकअप होता है, जो रिजर्व होता है, उससे ज़्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसका कारण हम हमको आगे बताएंगे, ठीक है। आरबीआई और यूनियन गवर्नमेंट ये हैं जो प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा, मतलब प्रिंटिंग का काम इनके पास सोल अथॉरिटी है, यही प्रिंटिंग का काम कर सकती हैं, और कोई अथॉरिटी प्रिंटिंग का काम नहीं कर सकती है। बट फिर भी इनके पास अटमोस्ट पावर होने के बावजूद भी इनके दो कारण हैं कि ये अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं कर सकती है, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है, ठीक है। वो एक तो इसका कारण है इन्फ्लेशन, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब देखो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, क्या है मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो एक इसको कंट्रोल में रखता है कि मनी प्रिंटिंग आप इतने हद तक ही करोगे, ठीक है। 1956 से ही इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है कि अगर आपको करेंसी प्रिंट करनी है तो ये किस बेस पे करेंसी प्रिंट की जाएगी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम से। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है कि ये सिस्टम ऐसा है जो आरबीआई को ये जरूरी करता है कि आपको मिनिमम असेट रखनी पड़ेगी, आपको 200 करोड़ रुपए की मिनिमम असेट रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो गोल्ड होगा, और 85 करोड़ जो फॉरेन एक्सचेंज होती है आपका वो होगा, तो ये आप 200 करोड़ रखोगे बैकअप के लिए, और आप 200 करोड़ जो आपका बैकअप होगा इसके बेसिस पे आप उतनी ही करेंसी, 200 करोड़ की करेंसी ही आप मतलब आप ये करेंसी आप प्रिंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू ऑफ करेंसी जो बैकअप रखा गया है सरकार द्वारा, ये हमारे जैसे कि हमने 500 रुपये का 100 रुपये का नोट देखा है उस पर लिखा होता है कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के उस पर साइन होते हैं, उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 500 रुपये पे वो गवर्नर के साइन है, और जो वो जो टैगलाइन लिखी हुई है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो उससे ये हुआ कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, अगर आपके पास 500 का नोट है, कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई क्लैमिटी आए, कोई डिजास्टर आए, कुछ भी आए,
तो आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको वो 500 रुपए का बैकअप मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी उसका बैकअप अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपका वो लीगल टेंडर खत्म नहीं होगा, वो लीगल नहीं होगा, आरबीआई आपको वो उस पैसे का जो बैकअप है आपको देगी ही देगी। तो इससे पता चलता है कि ये बैकअप क्यों रखा जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर आरबीआई है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब 200 करोड़ से अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, अगर इकोनॉमी में डिस्ट्रक्शन आ जाए, देखो अगर हमने 200 करोड़ से ज्यादा मनी प्रिंट कर दी तो इससे क्या हुआ, जो एडिशनल मनी जो हमने प्रिंट की हुई है उसका कोई बैकअप नहीं होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा जो रुपए की वैल्यू है वो ग्लोबल मार्केट में भी गिर जाएगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा गुड एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो वेनेजुएला और जिम्बाब्वे का आप देख लो, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने अपने बैकअप से ज़्यादा जितनी उनके पास असेट रिजर्व्स थी उनसे ज़्यादा मनी प्रिंट किया था और उनकी दशा इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। हाइपर इन्फ्लेशन आने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और परचेजिंग पावर होने कम होने के साथ इकोनॉमी को खतरा होता है और इससे क्या हुआ, इकोनॉमी उनकी वहाँ पे नष्ट हो गई। अब हम एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करें, जैसे कि आप किसी 100 एकड़ लैंड के आप ओनर हो, आप मान लो एक किंग हो, 100 एकड़ के आप ऑनर हो और आपने ऐसा किया कि मैं 500 पीपल एज ए सिटीजन लेता हूँ, मेरे नागरिक होंगे 500 पीपल, और आपने ये भी पता किया कि जो आपकी जो ये 100 एकड़ की वैल्यू है वो $100 मिलियन है, आपके 100 एकड़ की टोटल जो वैल्यू है वो $100 मिलियन है। तो अब क्या किया, आपने एक काम और किया कि मेरे पास 500 लोग हैं, ये तो लेन देन भी तो करेंगे, इनके लिए मैं एक करेंसी भी बनाता हूँ। तो जो आप करेंसी वो करेंसी बनाओगे जिससे लोग लेन देन कर सके, वो करेंसी की वैल्यू आप $100 मिलियन से ज़्यादा नहीं रखोगे। इन केस आप $100 मिलियन से ज़्यादा रखोगे तो आपकी जो एडिशनल करेंसी जो आपने बना ली है उसका कोई बैकअप नहीं होगा। अगर बैकअप नहीं होगा तो लोग आपकी करेंसी में बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो मनी है, आपकी जो टोटल असेट्स रिजर्व है वो $100 मिलियन है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज करो आपने प्रिंट कर दी करेंसी, ठीक है, आपने एक प्रिंट कर दी करेंसी $1,000 मिलियन, बट बैकअप है जो आपका $100 मिलियन का है, तो इससे क्या हुआ, जो आपकी करेंसी की वैल्यू है वो 90% डी वैल्यू हो जाएगी, उसकी जो मतलब वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, 90% कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो असेट रिजर्व था वो तो $100 मिलियन था। बट ऑन द अदर हैंड जो आपने करेंसी नोट प्रेस कर लिए हैं, जो आपने करेंसी प्रिंट कर लिए हैं वो 1,000 मिलियन के कर लिए। यहाँ पे एक आप जैसे देखो कि धीरे धीरे क्या होगा, जितने की आपकी पेपर है, देखो इसका हमारा जो नोट होता है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती है, ठीक है ना, हाँ ये बैकअप होता है, इस पर एक वादा लिखा होता है गवर्नर का, सरकार का बैकअप होता है कि हम आपको जितने रुपए की ये करेंसी है जितने डिनोमिनेशन की ये करेंसी है उतने पैसे हम आपको देंगे, बट इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप ऐसे ही करेंसी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे बट जो आपके असेट रिजर्व हैं वो कम होंगे, तो किसी दिन एक ऐसा आएगा कि जितनी उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी पेपर की उतनी ही आपकी मतलब करेंसी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो जब आप $100 मिलियन की करेंसी बना रहे थे, क्योंकि आपका बैकअप $100 मिलियन था, ठीक है, बना रहे थे, तो तब एक एप्पल के लिए आपको $1 देना पड़ता था। ऑन द अदर हैंड जब आप $1,000 मिलियन की करेंसी बना रहे हो, देखो आपने करेंसी तो प्रिंट कर ली $1,000 मिलियन की, बट जो आपका बैकअप है वो $100 मिलियन का है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप पहले $1 में एप्पल खरीद रहे थे तो अब जो आप एप्पल खरीदोगे वो $10 का खरीदोगे। देखा, आपकी इससे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, नो डाउट आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया, बट उसके साथ इन्फ्लेशन भी तो आई है ना। अब हम देखेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है, ये टाइम लैग कैसे आ गया, ये जो सप्लाई डिमांड का गैप है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, ये जनरल राइज होती है प्राइस गुड्स के प्राइस में और सर्विस के प्राइस में, जब जनरल राइज होती है तो हम उसको इन्फ्लेशन कह देते हैं। और अगर इन्फ्लेशन अगर 50% 100% की गति से ज़्यादा बढ़ती है तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कह देते हैं। अब इन्फ्लेशन का क्या कारण होता है, इन्फ्लेशन का मेजर रीज़न ये होता है कि डिमांड और सप्लाई में जो गैप आ जाता है उसके कारण, सप्लाई कम होती है बट डिमांड ज़्यादा होती है, इन दैट केस जो हमारी परचेजिंग पावर होती है, सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन आ जाती है। ठीक है, अब हम देखें ये डिमांड और सप्लाई का गैप है ये कैसे आता है। सपोज करो
वी शुड अंडरस्टैंड द लैग बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। अगर शॉर्ट टर्म में लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वो स्पेंड करने के लिए तैयार होते हैं, बट स्टिल इन शॉर्ट टर्म में लोगों के साथ पैसे ज़्यादा होते हैं, बट वस्तुओं की शॉर्ट टर्म में स्कार्सिटी होती है, सप्लाई में कमी होती है। तो इस केस में क्या होगा, लोग क्या चाहेंगे कि उसी जो स्कार्सिटी ऑफ सप्लाई है वस्तु की, उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहेंगे लोग। देखो ये हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में चाहे आप सप्लाई को बढ़ा लो, फिर तो आप जो मनी की जो प्रिंटिंग मनी की वो संख्या बढ़ी है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें, बिकॉज कमोडिटी गेट डिमांडेड फर्स्ट एंड देन द प्रोड्यूसर अंडरस्टैंड द हाई डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड देन द गुड्स गेट प्रोड्यूस्ड एंड देन रीच द रिटेल मार्केट फॉर अस टू बाई। सो यू सी अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देखो जो प्रोड्यूसर होता है उसको शुरू शुरू में नहीं पता लगता है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, चाहे वो RBI ने प्रिंट करके दे दिया, कैसे भी दे दिया, तो प्रोड्यूसर को शुरू शुरू में पता नहीं लगता है कि मेरी जो ये डिमांड है वस्तु की वो बढ़ेगी, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे पता चलता है कि मेरी वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, वो उतने शॉर्ट टर्म में अपनी वस्तुओं को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ताकि वो सप्लाई और डिमांड को बैलेंस कर सके, ठीक है। मतलब इसी टाइम में जब तक प्रोड्यूसर को पता लगता है कि मेरी वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा हो रही है, और जब वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जब तक इस टाइम के मीन टाइम में जो वस्तु होती है उनकी सप्लाई को शॉर्ट टर्म में वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो हमें वही सप्लाई पे मतलब वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं जो ऑलरेडी होती हैं, जो पुरानी वस्तुएं पड़ी होती हैं। इससे क्या होता है, वस्तु के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब अगर इन्फ्लेशन आ गया, अगर अब RBI ने स्टार्ट कर दिया शॉर्ट टर्म में प्रिंटिंग अनलिमिटेड मनी सप्लाई कर दिया, तो इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में हमारी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी। परचेजिंग पावर मतलब किसी चीज़ को खरीदने की पावर, वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इससे हमारी डिमांड भी बढ़ जाए, क्योंकि RBI ने अगर प्रिंटिंग अनलिमिटेड की है तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जब हमने आपको पता कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, अगर शॉर्ट टर्म में सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगी, और इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी तो जो हमारी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर इसी तरह प्राइसेस बढ़ते रहेंगे बट सप्लाई उस लेवल से नहीं बढ़ेगी, तो परचेजिंग पावर हमारी कॉन्सिक्वेंटली फॉल कर जाएगी। हम सेम अमाउंट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने देखा कि RBI के पास दो कारण होते हैं, एक तो मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, एक उनको मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखना होता है अपना, ताकि वो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो सके कि आपके पास जो करेंसी है, हमने जो वादा आपके साथ किया हुआ है उतनी करेंसी आपको मिलेगी, उतनी वैल्यू उस करेंसी की आपको मिलेगी चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। अब एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर ऐसा होता है, अनदर प्रॉब्लम है वो एक्सचेंज रेट के साथ होते हैं। जैसे एक्सचेंज रेट क्या शो करती है, एक्सचेंज रेट रिलेटिव वैल्यू ऑफ अवर करेंसी टू इन द कंपेरिजन ऑफ फॉरन करेंसी, बता दीजिए, बताती है कि हमारी जो करेंसी है उसकी फॉरन करेंसी के रिलेटिव कितनी वैल्यू है, ठीक है। जैसे डॉलर आजकल 76 चल रहा है, तो इसका मतलब हमको 76 रुपये देने पड़ेंगे अगर हमने $1 खरीदना है। तो फॉरन एक्सचेंज यही सब बताता है। अब अगर अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग करने से अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो इसमें क्या होगा, तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। देखो जो स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी ही बताती है कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू होगी। अगर किसी चीज़ की उपलब्धता बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो नो डाउट उसकी जो डिमांड होगी वो कम ही होगी और उसकी वैल्यू कम ही होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी तो जो हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे बाहर से वो वेरी मच एक्सपेंसिव होगी, वो ज़्यादा महंगी होगी, और ज़्यादा महंगी होने के कारण उनको खरीदना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और इससे भी हमारी जो फॉरन कंट्री में है हमारी जो परचेजिंग पावर है वो भी फाल कर जाएगी। तो सब इन सब डेवस्टेशन से बचने के लिए, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए RBI सोचती है कि हम एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से ही करेंसी को प्रिंट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो RBI है वो एक
एक्सटेंट से ज्यादा मनी प्रिंट क्यों नहीं करती है, करेंसी प्रिंट क्यों नहीं करती है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।